तो गाइस फाइनली पिज्जा देके गया। वैसे साइज में तो सही लग रहा है, 440 रुपए का, मतलब 38 रुपए का पिज्जा है। सही लग रहा है ना? नहीं, मेरे को सही लग रहा है। और लास्ट टाइम इसको भूखा लेके गया था, बिहार गए थे, लेकिन इस बार पिज्जा आ गया। चलो अब इसको अंदर जाके टेस्ट करते हैं कैसा है कैसा नहीं। गाइस 400 के, मतलब 438 के हिसाब से वर्थ तो है, लेकिन ट्रेन के हिसाब से वर्थ है। अगर बाहर खाते कहीं तो ठीक था, लेकिन ट्रेन के हिसाब से ठीक दिया। दो ब्रांड की सब 4-6 पीस है, और दोनों दोनों, मतलब दो दो पीस सबका, हम तीनों का, मतलब टेस्ट जो भी हो ट्रेन के हिसाब से और 438 रुपए के हिसाब से ठीक है यार। तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। टाइटल और थंबनेल देख के आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया। जी हाँ, आज हम लोग, मतलब मेरे साथ और भी दो हैं, ट्रैवल कर रहे हैं हावड़ा जबलपुर एक्सप्रेस में, भागलपुर तक जाएंगे, मतलब हावड़ा से भागलपुर ट्रैवल करेंगे। फोटोग्राफी रिलेटेड काम है जैसे एज यू नो। तो वैसे आज मैं कोशिश करूँगा कि लाइक पिज़्ज़ा ऑर्डर कैसे करते हैं ट्रेन में, लाइव डेमो दिखाऊँगा। ओवरऑल ब्लॉग में बने रहो, अभी हमें बहुत दूर जाना है, अभी लगभग 2:30 बज रहे हैं। यहाँ से बस लेके हावड़ा जाना है, फिर हावड़ा से हमारी ट्रेन है, तो बाकी रास्ते पर आराम से बात करते रहेंगे। अगर अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, इंस्टा फेसबुक में फॉलो नहीं करते तो फटाफट फॉलो करो। बाकी पिज़्ज़ा ऑर्डर करना कैसा होगा वो आज मैं बता के रहूँगा, और लाइव डेमो भी दिखाऊँगा, तो बने रहो ब्लॉग में। सो गाइस, हम लोग बस स्टॉप तो पहुँच गए, लेकिन बस नहीं मिली। ओलोक ने कम से कम 2-3 साल बाद मुझे कुछ खिलाया आइसक्रीम, और ये भी खुद खा रहा है। रोनी यहाँ है, और हम लोगों का सामान देखो इतना सारा है, 3 साल बाद ये आइसक्रीम खिला रहे वो भी। चलो बाकी बस आएगी तो बस चढ़ेंगे, फिर बस से 3-4 घंटे जाना है, 9:35 को फिर ट्रेन है। बाकी चलो जैसे बस आते फिर देखते हैं। तो गाइस अभी लाइक देखो 6 बजने वाले हैं, अभी हाफ रास्ता हो गया और 2 घंटे की जर्नी रह रही है, मतलब 8 बजे तक हम हावड़ा पहुँच जाएंगे। अभी हम लोग कोलाघाट में, फिर हावड़ा से 9:35 का टाइमिंग है हमारा ट्रेन का सुबह, फिर कल सुबह बिहार पहुँचेंगे। और यहाँ पे अंडे के ऑमलेट बना रहे हैं, मस्त वाला खाएंगे। तो चलो बाकी थोड़ा सा खाते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं, फिर 2 घंटे की जर्नी और इन्जॉय करते हैं, उसके बाद हावड़ा स्टेशन पहुँच के मैं दिखाऊँगा। और होपफुली आज पिज़्ज़ा खाएंगे और रोनी को भी खिलाएंगे, देखते पिज़्ज़ा मिलता है या नहीं मिलता। तो गाइस हम लोग हावड़ा पहुँच चुके हैं, अभी टाइम देखो 8:25 हो रहा है, 9:35 को हमारी ट्रेन है। तो यहाँ पे सामान वगैरह है, और एक गुड न्यूज़ है, ऑर्डर हो गया, पिज़्ज़ा ऑर्डर हो गया, देख सकते हो। योर डियर अजय, योर ऑर्डर नंबर बर्दवान में देखे जाएगा, मेरा ये सीट नंबर है, और ये OTP है, और ये 438 का पिज़्ज़ा है, मतलब 438 रुपये का पिज़्ज़ा है। और IRCTC की तरफ से मैसेज आया है कि भाई पिज़्ज़ा ऑर्डर हो गया, बर्धवान में आएगा, मतलब 9:35 को मैं चढ़ूँगा, 10:42 बर्धवान, तो 10:42 में मुझे पिज़्ज़ा मिल जाएगा। तो लाइव डेमो दिखाऊंगा आप लोगों को मैं, वैसे आपको तो पता लग गया कि कैसा ऑर्डर करना है कैसा नहीं करना है, बाकी मैं डिटेल्स में बता दूँगा सारी चीज़ें। बाकी चलो थोड़ा सामान का ध्यान रखते हैं, ट्रेन में पहले बोर्ड करते हैं फिर बाकी बात करते हैं गाइस। सो गाइस सिंपल आपको करना क्या है, फूड एंड ट्रैग इंस्टॉल करना है, वहाँ पे जाके अपना जो भी डेट है जर्नी डेट, फिर जो टिकट का PNR है वो PNR पेस्ट करना है, फिर आपको शो आ जाएगा आपका लाइक नेक्स्ट स्टेशन में कौन कौन से रेस्टोरेंट अवेलेबल है, KFC, डोमिनोज, पिज़्ज़ा, लाइक और क्या क्या रेस्टोरेंट है सब दिखा देगा वो। फिर जैसे भी वो लिखा रहता है कि आपको कितने का ऑर्डर करना है, मिनिमम मेरे को जैसे था 300 से प्लस ऑर्डर करना है, फिर मैंने 300 से प्लस ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर जैसे हो जाता है, आपका नाम और फ़ोन नंबर और GMAIL ID देना है, उसके बाद प्रोसीड कर देना है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर जैसे प्रोसीड करोगे ये आ गया कि डिलीवर टू अजय दास, और मेरा फ़ोन नंबर वगैरह सब आएगा, वो अपने आप आपको कॉल कर लेंगे। आपको कैसे क्या पेमेंट करना है, UPI या कैश, वो कर देना है, फिर आपके सीट पे आपको मिल जाएगा पिज़्ज़ा। तो गाइस फाइनली ट्रेन लगा दिया, लेकिन हमें बहुत पैदल चलना पड़ेगा, एस सीट है हमारा, S3 में है सीट, स्लीपर कोच में ही है, लेकिन मैं तो एक्साइटेड हूँ पिज़्ज़ा खाने के लिए। ओ माई गॉड, पिज़्ज़ा खाएंगे ट्रेन में फाइनली। और देखो भीड़ होती है यार, बिहार वाली सारे ट्रेन में भीड़ है, हावड़ा जबलपुर। आप इसका है 13071, डाउन है 13072, 76543। ओ भाई, और भी पैदल चलना है अभी 2 मिनट, और ये सामान सारे लेकर पैदल चलने में ना बहुत दिक्कत होती है, देखो पूरा बैकपैक, और अलग वहाँ पे आ ही नहीं पा रहे हैं, उसके पास भी काफ़ी सामान है यार, फोटोग्राफी का काफ़ी सामान होता है हम लोगों के पास। रोनी फीलिंग पिज़्ज़ा।
सो गाइस फाइनली हम अपने कोच पे आ गए। हमें देखो ये मिला है साइड अपर साइड लोअर और इधर है मिडिल 45, 47, 48। वैसे सीट अच्छा मिला है हमें और स्लीपर क्लास का ऐसे ही होता है नॉर्मली। बाकी दिखाता हूँ थोड़ा बैग वैग रुक जाए फिर थोड़ा सा केबिन का टूर देते हैं। स्लीपर क्लास का ये हाल है, 3 स्विच है, फैन, लाइट और यहाँ पे एक चार्जिंग मोबाइल चार्जिंग के लिए। आईना थोड़ा बहुत क्लीन है, इतना भी कुछ क्लीन नहीं है, गंदा है। यहाँ पे एक चार्जिंग के लिए इमरजेंसी अलार्म पुल कर सकते हो जब इमरजेंसी कुछ केस हो। और ऐसे 3 सीट होता है, अपर मिडिल और लोअर, बाकी साइड अपर साइड लोअर है। और वैसे ना ट्रेन में भीड़ काफ़ी कम हो गई है जब से वो एक्सीडेंट हुआ है ना सीन, तो देख रहे हो भीड़ इतना भी नहीं है। स्लीपर में और बिहार वाली ट्रेन में भीड़ कम है। और टाइम हो रहा है अभी 9:15 के करीब और 20 मिनट बचा है, 9:35 को यहाँ से खुलेगा और कल सुबह 5:40 को पहुँचेंगे हम लोग बिहार। और हम लोग ट्रैवल करेंगे 430 किलोमीटर के आसपास, वो भी 8-9 घंटे में। बाकी चलो वर्धमान आ जाए तो पिज़्ज़ा लेंगे, बाकी कुछ अच्छा होता तो दिखाता हूँ। हम लोग सेफली पहुँच जाएंगे होपफुली। सो गाइस बिल्कुल टाइम पर छूटा है, 9:35 और 9:36 हो रहा है, 1 मिनट तो चलता है इतना। फिर वर्धमान में अपना आएगा पिज़्ज़ा जो ऑर्डर हो चुका है, फिर बोलपुर साथी, फिर ओ भाई साहब ये कौन कौन से स्टेशन है समझ ही नहीं आ रहा। उसके बाद आएगा भागलपुर, 5:40 पे उतरेंगे भागलपुर सुबह। तो हर हर महादेव, उम्मीद करता हूँ जर्नी हमारी बहुत अच्छी से होगी और हम सेफली पहुँच जाएंगे। पहले पिज़्ज़ा खाते हैं फिर बाकी बात करते हैं। अभी नेक्स्ट स्टॉप में आएगा हमारा पिज़्ज़ा। सो गाइस मैंने ऑर्डर किया था 7:32 पे और ये ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया। लाइक पिज़्ज़ा का मैसेज 1 घंटा पहले आता है, थैंक्स फॉर चूजिंग डोमिनोज, योर ऑर्डर विल बी रेडी डिलीवरी इन पिक 15 मिनट्स। तो ये 438 रुपये का एक पिज़्ज़ा कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा वो तो दिखाऊंगा। पर ट्रैक के लिए एक आईडी भी दे दिया, मतलब लिंक। उसके बाद एक मेल भी आया मेरे पास है ना, इस मेल में सब कुछ है। तो फाइनली आज पिज़्ज़ा खा के ही रहेंगे। तो नेक्स्ट स्टॉप में मतलब 10:42 में पिज़्ज़ा आ जाएगा हमारे पास, अभी 1 घंटा और वेट करना पड़ेगा। तो चलो बाकी प्रोसेस तो आपको पता लग गया, ऑर्डर कैसे करने कैसे नहीं, और पिज़्ज़ा टेस्ट करके देखते हैं कि पिज़्ज़ा एक पिज़्ज़ा 438 रुपये का कैसे होता है कैसे नहीं। गाइस अभी हम लोग कमर कुंडू पहुँचे हैं और अभी वर्धमान आएगा 10:56, अभी टाइम हो रहा है 10:10। तो और वेट करना पड़ेगा हमें 1/2 घंटे से भी ज़्यादा, उसके बाद आएगा पिज़्ज़ा। तो लाइव डेमो के साथ पिज़्ज़ा दिखाऊंगा आपको, टेस्ट कैसा है वो देखना पड़ेगा यार। 500 रुपये का पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया लेकिन टेस्ट के ऊपर थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो देख लेंगे टेस्ट कैसा होता कैसा नहीं। सो गाइस फाइनली हम लोग वर्धमान पहुँच चुके हैं और डोमिनोज से फ़ोन आया था कि गेट के सामने ही रहना भैया, तो मैं गेट के सामने ही आ गया पूरा। तो देखते डोमिनोज वाला भैया आएंगे तो पिज़्ज़ा लेंगे उनसे और फिर पेमेंट करेंगे। तो फाइनली आज पिज़्ज़ा खाएंगे। तो আমি ভেবেছিলাম মনে হয় সারাটা খালি পেটে থাকতে হবে কিন্তু নয়, ও যে পিজ্জা চলে এসছে খাওয়া হবে। तो गाइस फाइनली पिज़्ज़ा दे के गया, वैसे साइज में तो सही लग रहा है, 440 रुपये का, मतलब 38 रुपये का पिज़्ज़ा है। सही लग रहा है ना? हाँ नहीं, मेरे को सही लग रहा है। और लास्ट टाइम इसको भूखा लेके गया था बिहार गए थे, लेकिन इस बार पिज़्ज़ा आ गया। चलो अब इसको अंदर जाके टेस्ट करते हैं कैसा है कैसा नहीं। तो गाइस फाइनली और लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं 450 रुपये का पिज़्ज़ा। 3, 4 एक्साइटमेंट देख रहे हो सबके। लास्ट टाइम भूखा लेके गया था, लास्ट टाइम रोनी तो था नहीं, और हमारा पिज्जा अनबॉक्सिंग हो रहा है भाई। खुशबू तो बहुत अच्छा है। वाओ वाओ, नहीं अच्छा मिला है, सोयाबीन पिज्जा ऑर्डर किया था। अरे चिकन है, मेरा चिकन, ये चिकन के नाम पे सोयाबीन दिया। अरे रुक जाओ भाई, इसमें सॉस ऐड करो आप। इस 400 के मतलब 438 के हिसाब से वर्थ तो है, लेकिन
ट्रेन के हिसाब से वर्थ है, अगर बाहर खाते कहीं तो ठीक था, लेकिन ट्रेन के हिसाब से ठीक दिया। दो ब्रांड की सब चार छः पीस है, और दोनों दोनों मतलब दो दो पीस सबका, हम तीनों का सही है वैसे। अब टेस्ट करते सब मिक्स हो रहा है। हल्का हल्का हल्का। सो गाइस ये फर्स्ट स्लाइस आ गया, चलो इसको टेस्ट करते हैं। बहुत दिनों बाद डोमिनोज का पिज्जा खाया, वो भी ट्रेन में बैठ के, इसका अलग ही मजा है। सीजन का पिज्जा मतलब टेस्ट जो भी हो ट्रेन के हिसाब से और 438 रुपए के हिसाब से ठीक है यार। बहुत दिनों बाद डोमिनोज का पिज्जा खाने में। गाइस फाइनली पिज्जा खत्म। रोनी इसको फेंक दो, पेट भर गया। लास्ट टाइम का विश पूरी हो गया, लास्ट टाइम ये भूखा सोया था, इस बार पिज्जा खिलाया इसको मैंने। और सही 438 रुपए के हिसाब से ठीक ठाक था, मतलब अगर बाहर बाहर लाइक अगर उनके रेस्टोरेंट में जाके खाते तो उधर और सस्ते में मिल जाता, ट्रेन में थोड़ा महंगा है लेकिन ठीक है। और आप लोगों को भी प्रोसेस पता लग गया, तो अभी क्या करेंगे, अभी 11:10 हो रहा है तो अभी सीधा सोते हैं, और रात को कुछ दिखाने के लिए है नहीं, अगर कुछ अच्छा होगा तो दिखाऊंगा, नहीं तो सुबह मिलते हैं भागलपुर में। बाकी पिज़्ज़ा वाला प्रोसेस पता लग गया तो लाइक कर देना ब्लॉग में, जितना हो सके शेयर करो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जो ऐसे ट्रैवल करेंगे जिनको पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद है। बाकी हो सके तो डोमिनोज को भी टैग और शेयर कर देना, बाकी फ्री में प्रमोशन कर रहा हूँ डोमिनोज वालों का। बाकी चलो गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं भागलपुर में। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम लोग उतरे भागलपुर, बिल्कुल टाइम से उतर के, 10 मिनट लेट है। और ओवरऑल उम्मीद करता हूँ ये वाला ब्लॉग आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके इस छोटे से फैमिली का हिस्सा बन जाना। सो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।